बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं बनाने लगी हूँ फ्रूट चाट और वो मैं करने लगी हूँ आपके पास शेयर। ये है अमरूद और ये अंगूर है, ये एक मैंगो है, ये 3 सेब हैं और ये केले हैं। 3 अमरूद हैं, ये अंगूर हैं, एक एक प्याली यानी कि सब चीज़ें हैं। और इसमें हम डालेंगे नींबू और ये मसाले। ये आया बनाते हैं और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये इसलिए मैंने नहीं छीले कि ये ब्लैक हो जाते हैं, वो एप्पल काटे हैं वो भी ब्लैक होना शुरू हो गए, इसलिए मैं बाद में छीलती हूँ इनको। चले अब हम इनको छीलते हैं। बनाना हमारे छील कट चुके हैं, अब हम ये सारे फल इसमें डालेंगे। ये हमारे बनाना है अंगूर, ये एक मैंगो है, ये हमने ऐसे छील के तो इस तरह क्यूब में काटा हुआ है। ये सेब है, इनको आप चाहे तो छील लें, खुद चाहे तो छील लें, तो चाहे छिलकों के सफ़ेद डालें, क्योंकि ये आपके अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। मैंने इसको छील के फिर काटा है, ये बीच में से एक दो पीस हैं जो मैंने छिलकों के साथ काटे हैं। आप ये देखिए, आपको दिखाने के लिए, ये अमरूद है, मैंने इनको पहले काटा है, इसके अंदर से जो बीज हैं वो मैंने निकाल दिए इस तरह। ये भी इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब हमें इसमें हम चीनी, 3 चम्मच चीनी और 1.5 टीस्पून चाट मसाला और 1.25 टीस्पून नमक डालेंगे। और इसमें डालेंगे नींबू, ये आप पे डिपेंड करता है जितना आप खट्टा खाना चाहें उतना नींबू डालें। मैंने इसमें 1 से 1.5 नींबू डाला है, यानी कि 2 टेबल स्पून जितने जूस इसमें नींबू डाला है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी आप ऐड कर सकते हैं, बादाम और वो किशमिश, आप पे डिपेंड करता है जो आप इसमें डालना चाहें। ये हमारी फ्रूट चाट हो चुकी है रेडी, अब मैं इसको आपको इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये हमारी फ्रूट चाट हो चुकी है रेडी, अब आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स कर सकते हैं किसी भी किस्म के। और अब ये सिंपल और सादा सी चाट है, आप इसमें मसाला अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी पसंद आए तो मुझे मेरे हौसला अफजाई कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।